हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आप सभी का स्वागत है वन क्लू गेमिंग की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। तो गाइस, ये हमारा आई थिंक आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का 9वां पार्ट है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, तो गाइस उसमें हमने ट्राइसेराटॉप्स टेम करा था एंड अपने के लिए हंटर केव भी गाइस कंप्लीट करी थी एंड वहाँ पे से हमें एक आर्टिफैक्ट मिला था। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले क्या है, तो गाइस आज की वीडियो में सबसे पहले हम अपने के लिए छोटा सा बेस बनाएंगे। बेस तो है नहीं गाइस, बेस का फाउंडेशन बनाया था क्योंकि मैं सोच रहा था ये तो ओनली सर्वाइवल मैप है, तो गाइस इसमें बेस बना के कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही गाइस हम खुले आसमान के नीचे रहने वाले हैं एंड गाइस वहाँ पे हम एक फाउंडेशन लगाएंगे एंड उसी के ऊपर गाइस हम अपना सब चीज़ प्लेस करने वाले हैं। तो गाइस पर यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, अपने डायनासोरस को रखने के लिए गाइस उनके लिए रैम्प्स बनाऊँगा। तो गाइस लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस आज की वीडियो में क्या करूँगा मैं, तो जैसे हमने गाइस पिछली वीडियो में अपने के लिए ट्राइसेराटॉप्स टेम करा था, तो गाइस आज उससे मैं अपने के लिए वुड्स कलेक्ट करने वाला हूँ एंड गाइस उसके बाद मैं अपने के लिए आयरन टूल्स बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में गाइस हम आई थिंक आयरन भी कलेक्ट करेंगे एंड गाइस उसके बाद हम चलेंगे अपना आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट करने के लिए। तो गाइस हम आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट कैसे करते हैं, तो गाइस लिटरली आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारी इस वीडियो में नए हैं एंड जिसने भी गाइस अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ भाई लोगों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आ चुका हूँ मैं फॉरेस्ट के पास में एंड मेरे पास गाइस मेरा ट्राइसेराटॉप्स भी है। तो गाइस आपको क्या करना है, तो आपको गाइस डबल राइट हैंड साइड में डबल टैप करना है। गाइस 2 बार डबल टैप करेंगे तो आप देख सकते हो गाइस अभी हमारी जो गाड़ी है ना ट्राइसेराटॉप्स की, वो गाइस अभी अपने में स्टेमिना भर रही है। तो गाइस जैसे हम दूसरी बार डबल टैप करेंगे तो गाइस वो अपनी गाड़ी है ना जो वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भगाने लगेगा एंड जितने भी गाइस उसके सामने पेड़ आए या फिर क्रिएचर्स आए तो गाइस वो सब जाएंगे। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे मैंने कितने ज़्यादा वुड्स कलेक्ट कर लिए। तो गाइस देख सकते हो आप, जैसे ही मैं एक पेड़ में टक्कर कर रहा हूँ ना तो मेरे को अराउंड गाइस 14 या 15 वुड मिल जाता है। पर गाइस यहाँ पे एक गलती क्या है, यहाँ पे हमें हैक ज़्यादा मिलता है, वुड कम मिलता है। पर गाइस अब मेरे को एक और चीज़ पता चला, जो यहाँ पे मेमथ है ना, तो मेमथ गाइस मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगा कि मेमथ कहाँ पे मिलता है। पर गाइस जो मेमथ है वो सबसे ज़्यादा वुड कलेक्ट करता है एंड उसको टेम करने के लिए गाइस अराउंड मेरे को 53 लेवल होना पड़ेगा। तो भाई लोगों ऐसे करेंगे ना, जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम अपना फटाफट से लेवल अप करेंगे एंड जैसे गाइस हमारा लेवल अराउंड 60 या 70 हो जाएगा तो गाइस तब ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्रिएचर्स टेम करने में। पर गाइस मेरे को अभी अपने के लिए आयरन के टूल्स सारे बनाने हैं, जैसे स्वॉर्ड हो गई, अपने के लिए स्पेयर्स हो गया, वो स्पेयर हो गया और अपने के लिए शॉर्ट गन्स हो गए। तो गाइस जैसे हम वो ये सब क्राफ्ट कर लेंगे तो उसके बाद गाइस लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, पर गाइस यहाँ पे मेरे को एक थ्राइजिनोसोरस दिखा जो कि लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे गाइस मेरे पास ट्राइसेराटॉप्स था, मेरे को पता था गाइस अगर थ्राइजिनोसोरस मेरे पे अटैक करता है तो लिटरली गाइस मेरा नंदू मेरे को 101% बचाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में मेरे को नंदू ने भी मेरे को बचाया था क्योंकि मैं जब कुछ फार्म कर रहा था, बेरीज वगैरह कलेक्ट कर रहा था अपने बेस के बगल में, तो गाइस गलती से एक पंच ट्राइसेराटॉप्स को पड़ गया। तो गाइस जैसे ही मेरा ट्राइसेराटॉप्स उस ट्राइसेराटॉप्स ने मेरे को मारने आ रहा था तो मेरे नंदू ने गाइस उसको देख लिया था कि ये तो मेरे मालिक को मारने के लिए आ रहा है। तो फाइनली गाइस बाद में मेरा नंदू ने ऐसा मारा ना गाइस उसको, लिटरली उसकी नानी दादी याद दिला दी। तो गाइस यहाँ पे मैंने उसको ऑलमोस्ट हार्वेस्ट भी कर लिया था पर मेरे को गाइस उससे कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला एंड गाइस यहाँ पे ही मेरे को बगल में एक रैप्टर दिखा था। तो अब तो गाइज मैं रैप्टर टेम कर सकता हूँ मे भी गाइज, अभी मेरे को थोड़ा सा ना जो फाउंडर्स है ना वो अभी तो मैंने छोटा बनाया है और उसे एक्सटेंड करूँगा गाइज। वहाँ पे मेरे को अभी 2-4 फर्नेसेस लगानी है एंड काफ़ी ज़्यादा गाइज वुडन बॉक्सेस लगाने हैं, सेल्फ से लगानी है क्योंकि गाइज उसमें मैं अपना सामान रखने वाला हूँ। अभी तो मेरे को गाइज काफ़ी चीज़ कलेक्ट करनी है, जैसे मीट का भी गाइज एक मेरे को पूरा बॉक्स भरना है क्योंकि मेरे को अभी चाहिए नार्कोटिक्स चाहिए। तो नार्कोटिक्स तो गाइज मेरे को फार्म करके ही मिलेगा, मीट जो एक्सपायर हो जाता है उसी से मिलेगा। तो गाइज अब तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फार्म करना पड़ेगा या फिर काम करना पड़ेगा। तो गाइज फाइनली मैंने अपने जो ट्राइसेराटॉप्स है उससे मैंने आई थिंक थैच वुड एंड फाइबर्स वगैरह ले लिया है। तो गाइज मैं अभी फाउंडेशन बना रहा हूँ, तो गाइज जैसे हम फाउंडेशन अपने के लिए क्राफ्ट में लगा देंगे तो गाइज फटाफट से ऐसे करता हूँ मैं फाउंडेशन प्लेस करूँगा। तो ऐसे करते हैं गाइज, ये जो पत्थर है ना उसके पीछे ही बनाएंगे, है ना, ठीक है। तो उसमें गाइज हम एक अपने के लिए फर्नेस लगा देंगे, उसके बाद आयरन टूल्स बनाएंगे क्योंकि गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जितने बार भी
वुडन टूल्स कर रहा हूँ। अगर मेरे पास गाइस वुडन एक्स भी होता है ना, तो मेरा गाइस स्वॉर्ड का काम वही कर लेता, बराबर कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। तो फटाफट से गाइस मैं ऐसे करता हूँ, जो हमारा वुडन के फाउंडेशन है ना वो हम प्लेस कर लेंगे। तो गाइस 3x2 का करें, तो गाइस यहाँ पे आई थिंक जो मेरा वुडन के फाउंडेशन थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मेरे पास जितना भी वुड था ना मैंने दोबारा से अपने ट्राइसेरोटॉप्स के बैकपैक में डाल दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमी हो गई थी। फाइनली गाइज ये है अभी हमारा ओपन स्काई बेस का फाउंडेशन, मतलब अपन लोग ना खुले आसमान के नीचे गाइज यहाँ पे सर्वाइव करने वाले हैं। तो गाइज लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा ओपन आसमान में, क्योंकि गाइज आप जब एक्सट्रीम एपिक ग्राफिक में खेलोगे ना तो आपको रात को भी गाइज लिटरली काफ़ी मज़ा आता है, जब तारे टिमटिमाते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा दिखता है। तो सबसे पहले गाइज अब मेरे को अनलॉक क्या करना है अपने के लिए, फर्नेस। तो मैं इनग्रीम्स में जाता हूँ एंड फर्नेस चेक करेंगे कि फर्नेस कहाँ पे है। तो अभी तो दिखा नहीं गाइज, अराउंड 23 लेवल में होगा। नहीं गाइज आई थिंक ये हमारा फर्नेस जो है वो 17 लेवल में गाइज अनलॉक हो जाता है, एंड उसके बाद मैं अपने के लिए आयरन, नहीं 20 लेवल में गाइज। तो मेरे को अभी 150 स्टोन्स चाहिए गाइज, ऑलमोस्ट मेरे पास सब चीज़ तो है। तो मेरे को सबसे पहले स्टोन्स कलेक्ट करने पड़ेंगे अपने के लिए, तो स्टोन तो मेरे पास है ही नहीं गाइज। तो ऐसे करता हूँ जितना भी गाइज मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है वो मैं अपने ट्राइसेरोटॉप्स के बैकपैक में डाल दूंगा, एंड गाइज इसके बाद मैं सिर्फ स्टोन्स फार्म करने वाला हूँ। तो देख सकते हो गाइज, चलो हम निकलते हैं गाइज यहाँ पर से स्टोन फार्म करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास 2 या 3 बड़े बड़े रॉक्स हैं, आई थिंक गाइज मैं अगर इन रॉक्स को तोड़ दूंगा तो मेरे को सफिशियंट अमाउंट में स्टोन मिल जाएगा। कुछ स्टोन तो गाइज मेरे जो स्टोरेज बॉक्सेस है ना उसमें भी है, तो मैंने ऐसा करता हूँ सबसे पहले जो स्टोन मेरे स्टोरेज बॉक्सेस में गाइज वो हम कलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद चलते हैं हम सीधा फार्म करने के लिए। तो गाइज फार्म करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे ही करते हैं गाइज हम उसको सीधा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, एंड जहाँ पे गाइज हम सीधा अपने के लिए फर्नेस बनाने लगेंगे एंड वहाँ पे आते हैं। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने स्टोन्स वगैरह तो ऑलमोस्ट फार्म कर लिया है, एंड गाइज अब फटाफट से क्या करते हैं हम अपने के लिए फर्नेस क्राफ्ट कर लेते हैं। तो मेरे को आई थिंक गाइज फ्लिंट एंड फ्लिंट चाहिए था गाइज, आई थिंक नहीं, तो मैं ऐसे करता हूँ मेटल ओर्स ले लेता हूँ, क्योंकि गाइज दोबारा से कौन आ रहा है यहाँ पे मेटल ओर्स लेने के लिए। तो अभी गाइज मेरे पास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरे को जितना भी ये थोड़ा बहुत मेटल का ओर्स मिला है वो ये रॉक्स को तोड़ तोड़ के ही मिला है गाइज। इसके बाद हमें ऐसे करना है, एक बार तो गाइज हमें मेटल्स कलेक्ट करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ पे, वेल्केनो में। तो गाइज वेल्केनो में जो रेड वुड है ना, तो गाइज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। तो मैं सोच रहा हूँ गाइज जब एक आप इसके बाद वाली गाइज जब हम इस सीरीज़ को अपना ऑलमोस्ट पूरा कर लेंगे, तो एक सीरीज़ गाइज स्टार्टिंग से हम रेड वुड में सर्वाइव करेंगे, एंड देखते हैं गाइज हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते, वो भी हार्ड मोड में, एंड देखना गाइज नहीं हार्ड कोर करेंगे। अगर एक बार मर गए तो सारी कहानी खत्म, जी हाँ गाइज ऐसे करेंगे, हार्ड कोर करेंगे। वहाँ पे मैं कोई भी केव नहीं करने वाला, क्योंकि डेफिनेटली गाइज 101% मैं केव में जाऊँगा तो मैं मरूँगा, है ना। तो ऐसे करते हैं गाइज फटाफट से, अब मैं क्या कहता हूँ अपने के लिए आयरन टूल्स हैं वो भी अनलॉक कर लूँगा साथ के साथ, एंड आयरन टूल तो गाइज मेरा लेवल 20 में ही अनलॉक होगा आई थिंक। एक पिकैक्स अनलॉक हो जाएगा एंड एक एक्स अनलॉक हो जाएगा। तो गाइज पिकैक्स तो इतना काम करता नहीं, एंड जो एक्स है गाइज वो बराबर काम करता है, अपने स्वॉर्ड के बराबर काम करता है। गाइज एक्स को चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, एंड इसको बनाने में ज़्यादा आयरन लगता नहीं, कुछ ही कम अमाउंट में आयरन लगता है। एंड गाइज इसको बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, स्पीति। तो गाइज आयरन टूल बनाने के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है गाइज। आयरन टूल बनाने के लिए आपको पहले फर्नेस बनाना पड़ेगा, फर्नेस बनाने के बाद आयरन टूल्स अनलॉक करने पड़ेंगे, आयरन टूल अनलॉक करने के बाद आपको स्पीति अनलॉक करनी पड़ेगी। जब स्पीति अनलॉक कर लोगे फिर स्पीति क्राफ्ट करनी पड़ेगी, एंड स्पीति जब क्राफ्ट हो जाएगी तो गाइज तब जाके हम फाइनली अपने के लिए आयरन टूल्स हो गए, गन्स हो गए, बुलेट्स हो गई, एंड आयरन आर्मर्स हो गए, वो क्राफ्ट कर सकते हैं। तो चलो गाइज सबसे पहले तो मैं ऐसे करता हूँ स्पीति क्राफ्ट करता हूँ, एंड स्पीति क्राफ्ट करने के लिए गाइज मेरे को थोड़ा सा कुछ सामान चाहिए होगा, वो मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज ऑलमोस्ट मेरे सामान तो कलेक्ट कर लिया, तो फटाफट से गाइज चलते हैं अपने ओपन बेस के पास में, एंड वहाँ पे गाइज हम बनाने वाले हैं अपनी स्पीति। तो अभी मेरे को आई थिंक वुड चाहिए गाइज, मैं फटाफट से चलता हूँ अपने ट्राइसेरोटॉप्स में, एंड यहाँ पे से वुड लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मेरे ट्राइसेरोटॉप्स के पास तो वुड है ही नहीं,
एंड आप अगर मेरे ट्राइसेराटॉप्स के पास वुड नहीं है तो गाइज मेरे को अब कहाँ मिलेगा, अपने मॉस्चॉप में, क्योंकि गाइज अपन के मॉस्चॉप जो है ना वो बहुत ही गजब के फार्मर है, तो गाइज मेरे को वहाँ पे से मिल सकता है वुड। तो जी हाँ गाइज, मेरे को यहाँ पे मॉस्चॉप से अराउंड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वुड मिल चुकी है। तो फटाफट से गाइज मैं ईजिली आप अपने के लिए क्या क्राफ्ट कर सकता हूँ, तो गाइज मैं अपने के लिए इजीली स्पीति क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो स्पीति क्राफ्ट करने में गाइज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम लगता है जो कि सफिशियंट है गाइज, इतना तो आप वेट कर सकते हो। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मेरा जो स्पीति है वो क्राफ्ट हो गया है। तो फटाफट से गाइज उसको ऐसे करते हैं अपने बेस में प्लेस कर दें, बेस नहीं है गाइज ओपन फाउंडेशन है उसमें प्लेस कर लेंगे। तो अब प्लेस कहाँ पे करें गाइज, ऐसे करेंगे फर्नेस के बगल में ही करते हैं, ज़मीन में हमें प्लेस नहीं करना, हमको ऊपर प्लेस करना है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हम ऐसे करते हैं अपना जो स्पीति है वो प्लेस कर लेंगे। तो गाइज हमारी स्पीति भी प्लेस हो चुकी है, अब मेरे को गाइज अपने के लिए वेपन्स बनाने। तो देख सकते हो गाइज आप मिले में गया हूँ मैं स्पीति में, एंड यहाँ पे मेरे दो चीज़ अनलॉक है, तो गाइज दोनों चीज़ सो हो रही है। तो मेरे को यहाँ पे कुछ ही कम अमाउंट में गाइज अपने के लिए आयरन चाहिए, तो मैं ईजिली अपने के लिए टूल्स बना सकता हूँ। एंड मेरे पास गाइज फाइबर भी है एंड हाइट भी है और वुड भी है, तो गाइज मेरे को अब सिर्फ आयरन चाहिए जो कि मैंने कुछ अमाउंट में फर्नेस में ऑलरेडी डाल के रखा है। तो गाइज मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड जैसे ही मेरे पास गाइज आयरन वगैरह मिल जाएंगे तो फाइनली गाइज यहाँ पे मेरे पास 8 आयरन के ओर्स है। तो आई थिंक गाइज यहाँ पे अपन का एक्स तो बन ही जाएगा। तो गाइज मैं सबसे पहले पिकेक्स बना लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि गाइज अगर मेरे में कोई भी क्रिएचर अटैक करता है तो मैं लिटरली अपना आप को सेव कर सकता हूँ एक्स से, इतना गाइज डेंजरस पिकेक्स नहीं है जितना एक्स है। तो चलो गाइज ऐसे करता हूँ, मैं उसे इक्विप भी कर लूँगा। एंड गाइज मेरे को दोबारा से चेक करना है कि हमें अपना पिकेक्स बनाने के लिए कितना आयरन चाहिए। तो फटाफट से गाइज यहाँ पे मेरे पास 2 आयरन के ओर्स हैं, एंड यहाँ पे मेरे पास 8 रॉ आयरन था तो वो मैंने ऑलरेडी फर्नेस में डाल लिया है। एंड गाइज यहाँ पे अब देखते हैं उससे मेरे को कितना आयरन की नगेट्स मिलती है। आई थिंक गाइज मेरे को ऐसा लग रहा 8 आयरन के ओर से मेरे को 4 आयरन की नगेट्स मिलेंगी, तो मेरे पास अराउंड 6 आयरन नगेट्स हो जाएंगे। तो गाइज आई थिंक इतने में तो बनेगा नहीं, मेरे को 2 आयरन के नगेट्स और चाहिए। तो गाइज मैं ऐसे करता हूँ फटाफट से वो कलेक्ट करके आता हूँ, एंड उसी के बाद गाइज हम आगे देखेंगे पिकेक्स बनता है या नहीं बनता। तो ऐसे करते हैं गाइज फटाफट से थोड़ा देर वेट करते हैं एंड उसके बाद देखेंगे बनेगा या नहीं बनेगा। तो ऑलमोस्ट गाइज यहाँ पे जो 6 आयरन की नगेट्स हमारे पास ऑलरेडी एवी 7 हो गई हैं, तो 7 आयरन की नगेट्स मिल चुकी हैं हमें। तो फटाफट से गाइज आई थिंक इतने में हमारा वो काम बनने वाला नहीं है, मेरे को गाइज दोबारा से जाना पड़ेगा एंड फार्म करके आने के बाद गाइज अब मैं और चीज़ बना सकूँगा। तो गाइज मैंने ऑलरेडी फार्म करा एंड यहाँ पे गाइज मेरे को 8 आयरन के ओर्स मिल चुके हैं, तो गाइज अब मेरे को 3-4 नगेट्स तो ईजिली मिल जाएगी आयरन की। तो गाइज लिटरली अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा क्योंकि मैं आयरन का पिकेक्स भी अपने के लिए क्राफ्ट कर लूँगा। तो गाइज अभी मेरे को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड देखते हैं गाइज कि कब तक वो बनता है हमारा पिकेक्स। तो अब चलें देखें गाइज। तो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारे पास 8 आयरन के नगेट्स हो चुके हैं, तो ईजिली गाइज मैं अपने के लिए आयरन का पिकेक्स बना सकता हूँ। तो चलो गाइज फटाफट से इसको ऐसे कर दें अपनी स्पीति में रखते हैं। तो जी हाँ गाइज यहाँ पे अपने आयरन की पिकेक्स भी क्राफ्ट होने के लिए लग गई है। तो गाइज अब रात तो हो चुकी है, अभी तो मैं गाइज कहीं भी नहीं जा सकता, तो ऐसे करते गाइज यहाँ पे आप सोएंगे एंड सीधा गाइज मॉर्निंग में उठेंगे, एंड उसके बाद गाइज हम करने वाले क्या हैं, अब गाइज हम सीधा चलेंगे ऑप्टिक्स में एंड अपना जो गाइज आर्टिफैक्ट हमने केव से लिया है गाइज उसको हम करने वाले हैं ट्रिब्यूट। तो गाइज ट्रिब्यूट करने में लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं बेरीज वगैरह फार्म कर रहा था, तो आप देख सकते हो गाइज मेरे पीछे एक ट्राइसेराटॉप्स पड़ा है, तो मेरे पे भी था गाइज अच्छा सा नंदू, तो मैंने नंदू को दिया है गाइज, उसने नंदू में एक हिट मारा। नंदू देखो गाइज कितने दूर आ चुका है, पर गाइज जो नंदू का अटैक था ना वो लिटरली गाइज काफ़ी ज़्यादा था, एंड उसने गाइज एक ही सिंगे में उसको मार दिया है। तो मेरे को लगा था गाइज आई थिंक वो अभी जिंदा है, पर बाद में पता चला अरे भाई ये तो काफ़ी जल्दी मर चुका है। तो आई थिंक गाइज ये 10 लेवल का था, तो यही बोलते हैं गाइज कि आप अगर जितना ज़्यादा लेवल का डायनासोर टेम करो ना, लिटरली गाइज वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है। अगर मैं गाइज यहाँ पे 3 लेवल का टेम करता तो गाइज 101% था कि वो जो 10 लेवल वाला ट्राइसेराटॉप्स है वो मेरे 3 लेवल वाले ट्राइसेराटॉप्स को तो डेफिनेटली मार ही देता। तो गाइज इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि हाई लेवल वाला डाइनो ही आप टेम करो, क्योंकि वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो गाइज यहाँ पे अब मैंने
मैं सोच रहा था पहले आयरन कलेक्ट करूं, पर मेरे को पता चला मेरे पास तो यहाँ पे एक आर्टिफैक्ट है। पर गाइज अगर मैं उसको ट्रिब्यूट करता हूँ तो मेरे को स्मूथिंग बाम मिल जाएगा, एंड इसके बाद गाइज मैं अपने के लिए रैप्टर इजीली टेम कर सकता हूँ। तो गाइज मैंने सोचा चलो फटाफट से हम वहाँ चलते हैं रेड ऑब्सिलिक के पास, एंड वहाँ पे से गाइज हम करेंगे अपना आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट। तो गाइज मैंने सोचा चलो पैदल चलते हैं। फिर मेरे को बाद में ध्यान आया यार वो रेड ऑब्सिलिक तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, एंड उस वहाँ तक हम अपने इच्छितोसोरस से ईजिली पहुँच जाएंगे। तो फाइनली गाइज मैं दोबारा से अपने बेस में गया एंड इच्छितोसोरस में बैठा, और गाइज सीधा निकला मैं रेड ऑब्सिलिक के पास। तो वहाँ पे गाइज मेरे को जब मैंने ट्रिब्यूट करा ना, तो गाइज मेरे को बहुत ही अच्छा ब्लूप्रिंट मिला है, एंड आपको भी गाइज देखोगे ना वो ब्लूप्रिंट तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइज फटाफट से ऐसे करते हैं हम अपने इच्छितोसोरस में बैठते हैं, एंड गाइज वहाँ से सीधा निकलते हैं अपने रेड ऑब्सिलिक के पास। तो मैं फटाफट से गाइज अपने बेस में निकलता हूँ, एंड बस गाइज बैठेंगे अपने ट्राइसेरोटॉप्स में नहीं इच्छितोसोरस। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड मन करे तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि गाइज आपके एक चैनल सब्सक्राइब करने से लिटरली गाइज मेरे को इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ना कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहूँ। गाइज जौन सा गेम आप बोलो गाइज लिटरली मैं खेलने को तैयार हूँ। पर गाइज आप बस जैसा सपोर्ट आप लोगों ने मेरे चैनल को पहले से दिखाया अभी भी गाइज वैसे ही दिखाते रहिए। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने इच्छितोसोरस के पास, एंड गाइज अब चलते हैं हम सीधा समुद्र की गहराइयों में। एंड यहाँ पे गाइज समुद्र की जो गहराई है ना लिटरली गाइज उसको देखने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। तो अब तो गाइज मेरे को सीधा जाना है रेड ऑब्सिलिक्स में, क्योंकि हमारे जो बेस के सबसे ज़्यादा क्लोज जो है गाइज वो रेड ऑब्सिलिक्स है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेड ऑब्सिलिक के पास पहुँच चुका हूँ। तो देखना गाइज कि अब हमें जो आर्टिफैक्ट ट्रिब्यूट करेंगे उससे मिलता क्या है, क्योंकि गाइज यहाँ पे मेरे को जब मैं आ रहा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मेरे को एक और इच्छितोसोरस मिला, पर गाइज उसको अपन टेम करने वाले नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है गाइज की दो इच्छितोसोरस को रख के कोई फ़ायदा ही नहीं है गाइज, तो उसे तो छोड़ो गाइज। तो जैसे गाइज मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरे को पता चला ये तो मैं गलत लोकेशन में आ चुका हूँ, तो मेरे को ऊपर से नीचे कूदना पड़ेगा। एंड गाइज अब सीधा चलते हैं हम अपने रेड ऑब्सिलिक के पास। तो गाइज वैसे यहाँ पे आप अगर 2x करके आओ तो आपको लेवल अप काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, पर गाइज यहाँ पे मैंने लेवल अप करा नहीं था क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ गाइज कि मेरा लेवल अप काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं सीरीज वाइज में चल रहा हूँ। तो सीरीज वाइज में गाइज धीरे धीरे करके जो मज़ा आया ना गाइज वो इतने जल्दी है ही नहीं। तो अब मेरे को जाना पड़ेगा टर्मिनल ट्रिब्यूट में, देख रहे हैं गाइज वहाँ पे टर्मिनल ट्रिब्यूट में आप जब लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपके सामने गाइज एक चीज आएगा, एंड आप अपने आर्टिफैक्ट को गाइज वहाँ पे ले जाओगे तो वहाँ पे ट्रिब्यूट कर देना। तो जैसे गाइज आप ट्रिब्यूट करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे मेरे को स्पूथिंग बाम, एक ब्लू प्रिंट मिला था हाइड के आर्मर का, एंड ब्लू प्रिंट मिला था अपना पिकैक्स का। तो गाइज आप ब्लू प्रिंट का डैमेज देखोगे ना तो आपको डैमेज पता चलेगा गाइज कि ब्लू प्रिंट जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। मेरा जो नॉर्मल पिकैक्स है गाइज उसका डैमेज 50 पड़ेगा, तो जो हमारा ब्लूप्रिंट वाला पिकैक्स है उसका डैमेज अराउंड 105 पड़ता है। तो गाइज यही फ़ायदा है, और यहाँ पे गाइज अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे पास एक स्मूथिंग बाम आ चुका है। तो गाइज अब बताओ कि अब कौन सा क्रिएचर टेम करना है, क्योंकि स्मूथिंग बाम से टेम करना लिटरली गाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो गाइज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सा क्रिएचर टेम करो, तो लिटरली गाइज वही क्रिएचर का नाम बताना जिसको मैं अभी अपने लेवल के हिसाब से टेम कर सकता हूँ। आप क्वेडजल बोलोगे तो क्वेडजल तो गाइज अभी टेम होने वाला नहीं है, ना ही अपना टैपिजारा टेम हो सकता है क्योंकि लेवल 23 है। तो वही क्रिएचर्स बताना, जैसे इक्वानाडोन हो गया, अपना पैरासोरस हो गया, अपना रैप्टर भी हो गया गाइज, आई थिंक रैप्टर तो मैं कर लूँगा। तो फटाफट से गाइज ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब गाइज यहाँ पे से निकलते हैं निश्चितोसोरस में बैठेंगे और सीधा भागेंगे हम अपने बेस की तरफ। तो फटाफट से गाइज अब निकलते हैं यहाँ पे से। वैसे गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज की वीडियो में मेरे को तो, एंड हमारे आयरन के टूल भी ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे एक ब्रोंडो है, तो गाइज लिटरली मेरा मन तो काफ़ी ज़्यादा है ब्रोंडोसोरस टीम करने का, क्योंकि मैंने गाइज अभी तक कोई भी ब्रोंडोसोरस टीम नहीं करा है। जैगोनोसोरस तो गाइज एक बार मैंने टीम करा था, एलोसोरस भी टीम करा था, ब्रोनेक्स भी टीम करा है मैंने, पर गाइज ब्रोंडोसोरस मैंने कभी टीम नहीं करा है। तो मैं गाइज एक बार तो 101% मेरे को टीम करना ही है।
तो देखते हैं गाइज कि उसे हम टेम कब तक करते हैं। एंड गाइज यहाँ पे से सीधा निकलते हैं हम अपने बेस के लिए। तो गाइज यहाँ पे देखो शार्क, आई थिंक गाइज यहाँ पे मेगलाडोन भी टेम होता है या नहीं होता मेरे को पता नहीं। मेरे ख्याल से गाइज आई थिंक मेगलाडोन भी टेम होता है। वो टेम कैसे करते हैं उसका गाइज आगे देखेंगे प्रोसेस कि उसको टेम हमें कैसे करना है। तो गाइज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज की वीडियो में। तो गाइज आई थिंक आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर गाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड मन करे तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय लोगों।